Now coming to question number 9. How many numbers lie between squares of the following numbers? क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर करें तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स जो होंगे वो आएंगे या लाई करेंगे. सो हमारा क्वेश्चन है 12 एंड 13. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि नंबर्स बिटवीन एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन स्क्वायर इक्वल्स टू 2n. देखिए इसमें स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जो नंबर है जो n स्क्वायर है और जो n प्लस वन स्क्वायर है उसका सम जो होता है वो हमेशा 2n आएगा. तो यहाँ पे n और n प्लस वन क्या है, जैसे कि सपोज किया हमने हमारा n है 8, तो हमारा n प्लस वन क्या होगा, 8 प्लस वन दैट इज 9. तो हमें बताना है कि जो 8 का स्क्वायर है और जो 9 का स्क्वायर है इन दोनों का सम आएगा 2n. तो हमारा 2 और हमारा n क्या था, 8. तो कितने इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, दैट इज 16. अब जो n और n प्लस 1 की बात हम कर रहे हैं तो n और n प्लस 1 जो है वो लगातार नंबर होने चाहिए, जैसे कि 10 11 11 12 12 13 इस तरीके से नंबर होंगे. यही मेथड हम इस क्वेश्चन में फॉलो करेंगे. सो हमारा n क्या था, 12. तो हमारा n प्लस 1 क्या है, 12 प्लस 1 दैट इज 13. तो मैंने क्या बोला था, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 2n. सो 2n 2 और हमारा n कितना है, 12 दैट इज 24. Therefore, numbers lie between and 13 is 24. Now question number 2. Question number 2 है 25 and 26. ये भी लगातार number है. So हमारा n क्या होगा, 25. और हमारा n plus 1 क्या हो जाएगा, 25 plus 1 that is 26. तो इन दोनों का सम कितना आता है, 2n. सो 2n 2 इंटू n हमारा कितना है, 25. सो 25 इंटू 2 इक्वल्स टू 50. देयरफॉर नंबर लाई बिटवीन 25 एंड 26 इज आर 50. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज 99 एंड 100. यहाँ पे भी हम सेम मेथड को फॉलो करेंगे. तो जो हमारा n होगा वो 99 होगा. तो हमारा n प्लस 1 क्या हो जाएगा, 99 प्लस 1 दैट इज 100. और इन दोनों का सम कितना आता है, 2n. सो 2 इंटू 99 टू जो कितना हो जाएगा, 198. तो इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 198. देयरफॉर नंबर लाई बिटवीन 99 एंड 100 आर 198. और यहीं पे आपकी 6.1 कंप्लीट होती है. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें.